जय श्री राम। उत्तर प्रदेश में माफिया राज की शुरुआत कब हुई थी? जब उत्तर प्रदेश से केंद्रीय दल गायब हो गए, कांग्रेस का शासन समाप्त हो गया, तो स्थानीय दलों का शासन आया। स्थानीय दलों में सबसे पहले शासन जो आया था वो समाजवादी पार्टी का ही आया था, और माफिया राज की शुरुआत करने वाले यदि मुलायम सिंह यादव को कहें तो गलत नहीं होगा। मुलायम सिंह यादव पहले आदमी थे जो गुंडों के, डकैतों के बल पर चीफ मिनिस्टर बने थे। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदियों को, राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को, डाकुओं का और बदमाशों का सहारा लेकर मिटाया था। उसी के साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी माफिया सरगनाओं का राज आ गया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में डीपी यादव और चौधरी महेंद्र सिंह, ये दोनों प्रतिद्वंदी बन गए, और दोनों के समर्थक अपने अपने बदमाशों के गिरोह से, डकैतों के। एक का समर्थन उस टाइम पश्चिमी उत्तर प्रदेश का फौजी गैंग करता था, दूसरे का त्यागी गैंग करता था, और ये राजनीतिक प्रतिद्वंदिता में एक दूसरे के आदमियों को मारते रहते थे। और ये शुरुआत थी माफिया राज की। तब तक उत्तर प्रदेश में डाकू और बदमाश सीधे इलेक्शन नहीं लड़ते थे, वो डाकुओं का और बदमाशों का इलेक्शन में उपयोग करते थे। और उसके बाद जब मुलायम सिंह यादव चीफ मिनिस्टर बन गए तो बदमाश सीधे इलेक्शन लड़ने लग गए, और सीधे वो मंत्री और विधायक बन गए। और ये चरम था माफिया राज का, जिसका सफाया किया प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने। वरना मुलायम सिंह यादव, डीपी यादव, इन लोगों ने प्रदेश को एक अंधेरे में धकेल दिया था, गुंडे राज में तब्दील कर दिया था, और चौधरी महेंद्र सिंह उस समय जो नोएडा क्षेत्र में नेता थे वो बड़े नेताओं में आते थे, जनता दल के बड़े नेता थे, शायद मुख्यमंत्री के दावेदार भी बनते। लेकिन डीपी यादव के ऊपर इल्ज़ाम आया कि उन्होंने अपने गैंग से उनको दादरी फाटक पर मरवा दिया था, और इस प्रकार एक बड़े नेता यानी महेंद्र सिंह का अंत हो गया। हालांकि वो भी माफिया राज चलाते थे, और जो नोएडा की फैक्ट्रियां थी, बड़ी बड़ी कंपनियां थी, उनके अंदर जो वर्कर भर्ती होते थे वो उन्हीं की सिफारिश से होते थे, और वो पूरी इंडस्ट्रीज से, पूरे नोएडा क्षेत्र से महीना वसूली किया करते थे। और डीपी यादव को तो सबको मालूम ही है, अब डीपी यादव उन्हीं के इल्ज़ाम से बरी हुए हैं कल अदालत में। उन्हीं के मारने का या मारने के षड्यंत्र में शामिल होने का उनके पास ऊपर आरोप लगा था,
और वो उसी के इल्ज़ाम में 30 साल लग गए। कल आखिरकार वो बरी हो गए। उनके लिए ये अच्छा हो सकता है, लेकिन न्याय के हिसाब से ये शायद अच्छा ना हो। खैर, उनका लड़का भी जेल काट चुका है लंबे समय तक, एक व्यक्ति को मारने के, हत्या के अपराध में। तो माफिया गैंग जो मुलायम सिंह के समय में पनपे थे, यदि योगी राज दोबारा आ गया तो उत्तर प्रदेश एकदम, हालांकि अब भी बहुत अच्छा प्रदेश बन गया है, लेकिन फिर माफियाओं को जगह नहीं मिलेगी यूपी में, और यूपी का